In this video, I will talk about Xiaomi Mi 11 Ultra Bad Software Update Experience. यहाँ पर ये बात जो है ना वो बहुत लोगों को चुभेगी, अच्छी लगेगी एंड कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिनाई करेंगे। क्लियरली बोल दूं, यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो देखना है तो ही देखो। यहाँ पर मैं अलग अलग सिचुएशन के सबसे बताऊंगा, कुछ चीजें जो है वो मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, कुछ चीजें जो है वो अपने हिसाब से केयर सर्विस से पूछूंगा। उससे पहले यहाँ पर अभी मैं वेबसाइट पे गया हूँ। मैं यहाँ पर हमेशा यही चीज करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, यहाँ पर है ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन देख लेता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है, उस पर क्या ऑफर है, उसकी सेलिंग कैसी है, उसकी रेटिंग कैसी है, सब कुछ चेक करता हूँ। एवरी सिंगल थिंग मुझे चीजें जो है वो नोट करनी होती है। अभी मैं यहाँ पर वेबसाइट पे हूँ Xiaomi के कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि भाई Mi 11 Ultra जो है ओवरऑल जो वैल्यू है उसके सबसे एकदम किलर है। आपको मैं बोल सकता हूँ आंख बंद करके अगर आपको एक Xiaomi का फोन लेना है अगर ये प्राइस पॉइंट पे तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा फोन है। यहाँ पर जो स्टोरी है मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर Xiaomi ने रिसेंटली में ये लॉन्च किया था स्मार्टफोन, बट क्या हुआ यहाँ पर अभी जो पैंडेमिक है, चिप शॉर्टेज जो है वो आ चुकी है इंडिया में। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ व्यूवर्स जो है वो खरीद लिए, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोग के साथ स्कैम हुआ मतलब रिफंड हुआ, वो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो हो चुकी है। बट उसके बाद जो है वो Xiaomi ने उसको थोड़ा मतलब थोड़े दिन के लिए सेल करना बंद कर दिया। उसके बाद लिमिटेड स्टॉक आए, वापिस यही चीजें हुई। बट यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने खरीदा बट यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे Xiaomi। एंड ऊपर से यहाँ पर तलवार तब खींचती है जब Xiaomi यहाँ पर इसको डिसकंटिन्यू कर देता है इंडिया में। ये चीजों को जस्टिफाई कर सकता है Xiaomi, हमारा जो Mi 11 का सीरीज है वो तो पुराना हो चुका है, इसका नया सीरीज आने वाला है, उसके लीक्स रूमर्स सब कुछ आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसको सेल नहीं करना है, इसका नया इंटरनेशनल ऑफ वर्जन जो आएगा हमें उसको सेल करना है। उसके हिसाब से चलो मान के चलते हैं, उसके हिसाब से ये जो है वो डिसकंटिन्यू किया है। अब स्टोरी ये है कि भाई यहाँ पर जो व्यूवर है, जो लोगों ने खरीदा है उनका क्या, उनकी तो वैल्यू होती है ना। और मैं यहाँ पर कितने दिन से ये चीजें कर रहा हूँ, ट्विटर से कंप्लेन आती है तो मैं उसको वहीं पर सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, एंड अगर कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ स्कैम के रिलेटेड, आपको वीडियो पता ही भाई मैंने बनाया। अभी यहाँ पर मैं Xiaomi से बात करूंगा, यहाँ पर मैंने कैश सर्विस में ऑलरेडी बात की है, बट वंस अगेन हैज अ प्रूफ हैज अ रेफरेंस के लिए मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा। ये केस कितना पुराना है, 2-3 दिन के अबव हो चुका है। मैं अभी कितने दिन से इसको टॉलरेट कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ कि भाई Xiaomi कभी भी ये चीजें ना करे, बट यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व ही नहीं कर रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। कि मैं शक होता तो भाई यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट क्यों देता, यहाँ पर उनको लगा होगा कुछ उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर कुछ चीज गलत होती है, अगर इकलौता एक बंदा एक स्टेटमेंट देता है तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं देता, वो सही भी होता है गलत भी होता है, ये तो मैं बस बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई और भी रीजन हो सकते हैं। सो ये चीज को क्लियर अप करने से पहले ये आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है जो दिखा लेता हूँ, वेबसाइट ने पब्लिश किया है। अब ये जो है वो पब्लिश हुआ है जुलाई के टाइम पे, एंड ये आपको चीज दिखा देता हूँ, ये है MIUI 12.5 लेटेस्ट अपडेट है Xiaomi की तरफ से। बट यहाँ पर कंप्लेन क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो जुलाई का है, एंड उसके बाद यहाँ पर जितने भी व्यूवर जो खरीदे होंगे इसको उनको यही सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पर ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए तो भी यही लेटेस्ट मिलता है, तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो है वो बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट है, इसमें बग्स अभी आएंगे, ब्लोटवेयर आएगा, इतना कुछ आ सकता है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो यहाँ पर इतने कंप्लेन नहीं करते, बट यहाँ पर व्यूवर जो है ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैंने इसको खरीदा तो यहाँ पर मुझे फ्लैगशिप फोन लेके भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलता है, जो मुझे एक सेंसिबल स्टेटमेंट लगता है। यहाँ पर इसके ऊपर कोई मतलब बुराई नहीं है। एक और चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर कोई फॉलो अप वीडियो लेके आता है, लॉन्ग टर्म के रिव्यू लेके आता है अभी के टाइम पे Mi 11 Ultra के, यहाँ पर वो बंदा जो है वो अगर ऑनेस्ट होगा तो वहां पर जो बंदा है वो सच्चाई के साथ बात करेगा ना, तो वहां पर वो यही बोलेगा कि भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल रहा है, ब्रांड ने जो चीज नहीं की है, बस एक फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई आप दे दो एक सॉफ्टवेयर अपडेट इंडिया के लिए भी स्पेशली कर दो। तो अभी यहाँ पर फोन करते हैं और जो आंसर इनसे मिलता है वो आपको देते हैं, और जो मेरी सिटी है वहां पर जो केयर सर्विस आता है उसको फोन करने वाला हूं और देखते हैं Xiaomi क्या रिप्लाई देता है, मतलब केयर सर्विस वाले लोग क्या बात करते हैं। अब मैं फोन कर रहा हूं, रिंग जारी है, अब बात करते हैं। वंस अगेन कॉल जो है वो फेल हो गया है, अब वापस से बात करते हैं, वापस से बात कर रहा हूं। स्पीकर पे करता हूं, कॉल फेल्ड, वापिस से फोन किया, कुछ नहीं हुआ, करेंटली अनअवेलेबल है, ये नंबर जो है वो दोनों सेम ही है। और चलो सूरत में फोन करता हूँ, सूरत में भी मैं यहाँ पर जाता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास Mi 11 Ultra है, मैं यहाँ पर वापी में रहता हूँ, और यहाँ पर अगर कैश सर्विस में सोल्यूशन नहीं निकलता है सूरत जा सकता हूँ, बट उससे पहले जो बात है वो करते हैं और क्या आंसर निकलता है वो देखते हैं।
कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ. स्विच ऑफ. अगर ये लोगों ने नंबर चेंज किया है तो प्लीज ये नंबर को चेंज कर दो, अपडेट कर दो गूगल पे. मैं यहाँ पर सफारी के थ्रू से जा रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पर सफारी गूगल से जाने से कोई इशू नहीं होता है. एड्रेस भी आपको बताया है कब ओपनिंग टाइम है, ये 10:30 के आसपास से ओपनिंग होता है. क्लोजिंग टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है. दोनों जो है स्टोर्स भी जो है वो 10:30 के आसपास से सुबह चालू हो जाते हैं. अब ये जो प्रॉब्लम है वो मैं 12 शूट कर रहा हूँ, जो 10:30 का जो मैटर है वो तो हो ही नहीं सकता है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक नंबर है अब व्हाट्सएप से निकला है, उनसे आइडिया लग जाएगा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. रिंग जा रही है. हेलो. हेलो. हाँ, मेरे पास Mi 11 अल्ट्रा है, तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट MIUI 12.5 करके कुछ शो कर रहा है, तो बहुत टाइम से अपडेट नहीं आ रहा है. तो नहीं नहीं, मैं फोन तो किया पर स्विच ऑफ या फिर बिजी बता रहा है, ऐसा ही आ रहा है. बात पहले कर लूँ ना कि अगर ये अपडेट नहीं आ रहा है तो कब आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं जाऊँ ना. वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो केयर वाले ही बोल सकते. नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट आ नहीं रहा तो फिर मैं पूछ लूँ, अगर नहीं होता है तो फिर मैं जाके दिखा देता हूँ. क्योंकि ये हार्डवेयर इशू थोड़ी ना होगा, ये तो सॉफ्टवेयर इशू है ना, आ नहीं रहा है. मैं कंफर्म कर लूँ कि क्या है. तो सर्विस सेंटर वाले ही बता, ये तो स्टोर है. ठीक है. तो देखा, अगर मैं उनसे ये भी क्वेश्चन करता ना MIUI का कौन सा लेटेस्ट अपडेट है सॉफ्टवेयर का, तो वो आंसर भी नहीं दे पाते. आप देख सकते हो ये नंबर है स्क्रीन पे आपके सामने है, ये नंबर था इसके साथ अभी मैंने बात की है. स्टोर है Xiaomi का वापी में. किसी को भी क्वेश्चन होना कहीं पर भी, कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन ले रहा हो ना, स्टोर पे जाओ तो स्टोर वाले भी रिप्लाई देने चाहिए. क्योंकि यहाँ पर है ना बात है कंपनी की नहीं, आपके पैसे की बात है. कहीं पर भी आपको आंसर मिलना ही चाहिए. ये मत समझना कि भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ हो सकता है. अलग अलग स्टोर्स होते हैं, अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं. मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि भाई ये आंसर निकल रहा है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये बार मैं आपको बोलूंगा नहीं लाइक करो, यहाँ पर बस ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो.